ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जहां पर मैं बहुत स्टाइल से रेसिंग के सीन का हिस्सा था, ख़ास तौर पे चूँकि यहां परमिशन नहीं मिलती शूटिंग की, तो फॉरेन कंट्रीज़ में रेसिंग के जो सीन पिक्चराइज किए जाते हैं। हु एल्स देन मी, स्टाइलिश पूरी लिमो, आगे बॉडीगार्ड्स, साथ में खूबसूरत कोई ब्लॉन्ड, ऐसे बहुत सारे रेसिंग के सीन मेरे ऊपर फिल्माए गए हैं। पर असली ज़िंदगी में मैंने कुछ ख़ास रेसिंग देखी नहीं। आज जब मिड डे और जागरण मेरी मित्र हैं, मिड डे की एडिटर शुभा, उन्होंने आमंत्रित किया और कहा कि आई मस्ट कम टू सी दिस एंड आई मस्ट कम टू हाईलाइट सर्टन इशूज, सर्टन यू नो एरिया, सर्टन कॉजेज दैट दे सपोर्ट। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। रेसिंग, घुड़दौड़, सजे हुए लोग, स्टाइलिश चश्मे, यू नो ये एसोसिएट हो गया है खलनायक के साथ में शुरू की फिल्मों में, क्योंकि शुरू में जो है यू नो मॉरली नायक को इतना करेक्ट होना पड़ता था कि दैट ऐसी किसी भी जगह पर उसका दिखाई देना करेक्ट नहीं माना जाता था। सो देयरफॉर ये खलनायक के साथ ही जुड़ता है, खलनायक के साथ ही रहता है। सोशल कॉजेज़ को हाईलाइट करने आया हूँ और यहाँ पर एक आध बार मैंने रेसिंग में आने की कोशिश की थी जब मैं नया नया एक्टर बन रहा था, तो कुछ ख़ास सफलता नहीं मिली। उसके बाद मैंने साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, हर कंट्री की जो जहाँ पर रेसिंग होती है वहाँ पर मेरे ऊपर सीन्स फिल्माए गए हैं। तो मैं आज इसे देखूँगा और देखकर इसे अप्रिशिएट करूँगा।